राम। आज हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर कॉलोनी में। मिर्जापुर के सटी हुई ये कॉलोनी है, मिर्जापुर कॉलोनी इसका नाम है। यहां पर एक परिवार रहता है जो कि जिसमें से एक व्यक्ति घोड़ा गाड़ी के साथ सुबह सब्जी लाता है, पहुंचाता है और लगभग 300-400 रुपए की दिहाड़ी कमाता है। 300-400 रुपए में ही ये परिवार अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अपने घोड़े का भी दाना पानी उसी से चलता है। 23 जनवरी 2022 की बात है, दिन रविवार, बरसात पड़ रही थी, सुबह 6 बजे का समय था। पूरा परिवार सो रहा था, ठंड का मौसम है और जैसे ही छः बजते हैं बरसात के दौरान दीवार की साइड में पानी भर जाता है और दीवार धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। कुछ ही क्षणों में जैसे ही परिवार उठकर संभलता तो छत ऊपर से परिवार के ऊपर गिर जाती है। परिवार के 3 लोग इस छत के नीचे, कच्ची छत के नीचे दब जाता है। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग यहां पहुंचते हैं और पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। चोटें लगती हैं लेकिन सुरक्षित जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन विडंबना देखिए कि इस परिवार के पास सिर्फ उसके बाद जान थी, न घर था, न राशन था, न सर्दी के दौरान गर्म वस्त्र थे। ऐसे में ही जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को इसके बारे में पता चलता है तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कुछ ही क्षणों में फरिश्ता बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। फरिश्ता बने ये सेवादार पहले तो इस परिवार को पौष्टिक आहार देते हैं, पूरी किट, पूरे माह का राशन इनको दिया जाता है, सर्दी का मौसम है तो गर्म वस्त्र इनको दिए जाते हैं और घर में एक गर्भवती महिला भी है तो उसको पौष्टिक आहार दिया जाता है। ऐसे ही जैसे ही सेवादारों को पता चला कि इस परिवार के पास तो रहने के लिए भी छत नहीं है तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, 50 सेवादार ईंटें, बजरी, रेत और सीमेंट लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं और आज तारीख है 29 जनवरी। 29 जनवरी को ये सेवादार यहाँ पर सेवा में जुट जाते हैं। हाँ जी, पानी के वजह से हमारी दीवार गिर गई जी और चोटें भी आई हैं जी, बच्चों को भी हमारे कहने मतलब मरने से बचे हैं जी। मेरी बेटी को चोट आई है, मम्मी को चोट आई है जी, कहने मतलब हमारी छत सारी गिर गई है जी। तो आप कौन बना रहा है आपका मकान? डेरा सच्चा सौदा से आए हैं जी हमारे मकान बनाने के लिए। कहने मतलब इतने बंदे आए हैं कि हमारा दो एक दिन में तैयार कर देंगे मकान। तो आपसे कुछ लिया भी है इन्होंने? नहीं जी, कोई कहने का मतलब और कोई नहीं आया, सच्चा सौदा वाले आए जी और कोई नहीं आया हमारे लिए। इनके गुरु को हम धन्यवाद करते हैं जी, हमारा भी गुरु है जी। सर्दियों में हमारा घर गिरा हुआ था जी, घर गिरने की वजह से हम सारे बीमार हो गए जी। डेरा सच्चा सौदा वालों ने जी हमें कपड़े कुपड़े और खाने के लिए सामान सुमान सारा दिया जी, जो कुछ है जी हमारे लिए जी यही है जी डेरा सच्चा सौदा जी। हमारी हेल्प कर रही है जी, अभी भी कर रहे हैं जी, और खाने पीने का सामान भी डेली वेज दे के जाते हैं जी। गर्म कप सर्दियों में ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े, खाने के लिए सामान सुमून सब दे के गए हुए हैं जी। और मैं प्रेग्नेंट हूँ जी, मैं कुछ कर नहीं पाती जी, घर पे रहती हूँ, बीमार हो रही हूँ जी कई दिन से जी। सब दवाई दरवत सब यही डेरा सच्चा सौदा वाले करवा रहे हैं जी। तो क्या करना चाहोगे आप इनके? जी हमारे लिए डेरा सच्चा सौदा वाले जी फरिश्ते बन के आए हैं जी, हम इनका बहुत धन्यवाद करेंगे जी। जी क्या बताएंगे, ये जो छत गिरी है आपके सामने, ये सतवीर नाम का लड़का है जी, ये गरीब लड़का है, इसके बच्चे छोटे छोटे ये रात को अपने मकान में सो गए थे, मेरे मकान के सामने इसका मकान है जी। बरसात की वजह से रात को इसके मकान की एक दीवार गिर गई, बच्चे दब गए, पड़ोस के में आवाज़ आई, अम्बा जबा जे गए सब बच्चे इसके निकालने बाद, चोट लगी है बच्चों को भी। तो कितने दिन पहले की बात है ये जी? कोई 5-6 दिन नहीं भी, डेट मेरे याद नहीं आया, 5-6 दिन है जी आज, बस 21 कल जी, आज तो 29 होगी जी, है 21-22 कल बस। हम सो रहे थे,
पता नहीं लगा किसी को भी, बस जब खड़का हुई और जब धमक सी हुई, जब उठन भी लग गए, जब छत ऊपर गिर गई हमारे, कोई नहीं था हमारे पास, बहू बेटे थे उन्हीं ने कट दे, और दोनों बच्चे और मैं तो जमी छत के नीचे थी, पता नहीं परमात्मा ने कहाँ जान दे रखे थी, जो हमारा जान आएगी ऑफिस। चोट लगी है, पोती है कि उसको भी लग रही सिर में चोट, मेरे भी लगी है, सिर में भी लगी है, बाजू में भी लगी है, मुंह पर भी लगी है, घर में कुछ नहीं रह गया, बस हम तुम्हारी जान जान है और कुछ नहीं है हमारे पास। डेरा सच्चा सौदे वाले ने अपना रंग रही मकान, हमारे पास कोई सामान नहीं था, सब यही दे के जा रहे हैं, इनको कोई हम बताने नहीं गए थे, ना किसी ने बताया, आप ही आप आए के हमारे मदद करने लग रहे। तो सामान मकान का, मकान का सामान सारी यही देन लग रहे सच्चा सौदा वाले जी। मैं रणदीप हूँ जी, मैं भी अनुयायी हूँ जी, डेढ़ सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ, गुरुजी से मैंने नाम लिया हुआ जी, तो मैं भी इनमें सेवादार हूँ जी, जैसे हम ये सेवा कर रहे हैं, ये भाई मसाले बना रहे हैं, वो इंटों का काम कर रहे हैं जी, तो ऐसे ही हम सारे सेवादार हैं जी, रल मिल के काम करते हैं जी। और जैसे कि हम 138 मान तबला के कार्य पहले भी कर रहे हैं, ये भी उसी में शामिल है जी, हमारा जो कार्य है जी। और इन भाई का भी ये जो बारिश हुई थी जी, इसमें मकान गिर गया था जी, छत गिर गई थी इनकी जी, जिम्मेदार है जी उनसे मिले, और उन्होंने हमें आदेश दिया भाई आप लोग उधर जैसे गुरुजी आदेश देते हैं जी, उनके कार्यों पे चलते हुए भलाई जो हम ये कार्य कर रहे हैं जी, उसके तहत इनका मकान ये हम 2 दिन में बना के देंगे जी इनका मकान।